वेलकम तो और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 एंड आर्टिकल 343 हंड्रेड टू थ्री में की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल में जो एट्थ शेड्यूल है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब हमारी टोटल 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी एट प्रेजेंट हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज़ को फोर हेड्स में डिवाइड किया गया लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 हंड्रेड फोर्टी थ्री टू थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर में की गई है देन रीजनल लैंग्वेज जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थ्री हंड्रेड फोटी फाइव टू थ्री हंड्रेड फोर्टी सेवन में की गई है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ द लॉ जिसकी बात आर्टिकल थ्री हंड्रेड फोर्टी एट थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन में की गई है फोर्थ हेड है जो वो है स्पेशल डायरेक्टिव जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी वन तक की गई है अब चारों को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आता है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी डिसाइड कर लिया था कि इंग्लिश को होली होली ख़त्म करके हम हिंदी को क्या करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी यूनियन की जो कि एक देवनागरिक स्क्रिप्ट में थी बट उन्होंने एक चीज़ साथ में बोली थी कि जो न्यूमरल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे वो होंगे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यानी देवनागरिक में नहीं होंगे जो न्यूमरल्स का यूज़ किया जाएगा यानी जो एक दो तीन चार ये नहीं यूज़ किए जाएंगे उसकी जगह पे वन Two, three, four. Numerals जो हैं वो इंटरनेशनल फॉर्म में यूज किए जाएंगे बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की वो हिंदी होगी जिसको हमने देवनागरिक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ उसके बाद हमने बोला कि पंद्रह साल के लिए नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव इंग्लिश को यूज करेंगे हम एज अ ऑफिशियल के लिए ऑफ द यूनियन इंग्लिश टू बी यूज फॉर ऑल द ऑफिशियल ऑफ द यूनियन इंग्लिश इट वॉज़ बींग यूज बिफोर नाइनटीन फिफ्टी नाइन नाइनटीन फिफ्टी से पहले जो इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा था वही इंग्लिश का यूज़ हम पंद्रह साल के लिए करेंगे हमारे जो ऑफिशियल पर्पजेज़ होंगे इनके लिए बट पंद्रह साल के बाद क्या होता है आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द कॉन्टीन्यूट यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पजिज पंद्रह साल के बाद भी पार्लियामेंट ने क्या बोला कि कुछ स्पेसिफाइड पर्पजेज होंगे जिसके लिए हमें इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा तो आज भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट में उसके अलावा किसी और लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता और उसके अलावा क्या बोला कि हर पाँच साल बाद जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे कमीशन को जिसका काम क्या होगा हिंदी लैंग्वेज को प्रोग्रेसिव करना ज़्यादा यूज़ करना और इंग्लिश लैंग्वेज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना तो 1955 में में सबसे पहले कमिशन बनेगा, फिर 1960 में बनेगा। 1960 ऐसे हर पाँच साल बाद प्रेसिडेंट एक कमिशन को अपॉइंट करेंगे सबसे पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था वो 1955 में बना था जिसके चेयरमैन थे डी खेर और इन्होंने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करवाई थी वो करवाई थी नाइनटीन में और पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई थी जिसको इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे गोबिंद बल्लभ पंत 1960 में दोबारा लैंग्वेज कमीशन बनना था बट कोई भी कमीशन अपॉइंट नहीं किया गया फिर आता ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और इस एक्ट में क्या बोला गया कॉन्टिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन जो भी ऑफिशियल काम होगा यूनियन का उसमें इंग्लिश का भी यूज़ किया जाएगा हिंदी के साथ साथ एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट जो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे पार्लियामेंट के वो भी सारे इंग्लिश में ही कॉन्टिन्यू किए जाएंगे तो ये था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री उसके बाद आता है रीजनल लैंग्वेजेज़ रीजनल लैंग्वेजेस में आ जाएगा जहाँ पे हम हर स्टेट की बात करेंगे अब हमें पता है हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी तो इस चीज़ के लिए क्या बोला गया कि स्टेट है जो वो कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकती है चाहे वो एक लैंग्वेज हो चाहे दो हो या चाहे ज़्यादा लैंग्वेजेस हो वो कोई भी लैंग्वेज अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकती है और उसके साथ अगर चाहें तो वो हिंदी को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती हैं यानी कहीं भी ये कंपलसरी नहीं किया गया कि आपको हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखना है कई कह, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है ही नहीं लोगों को पता ही नहीं हिंदी में बात करनी नहीं आती है उन्हें तो यही चीज़ बोली गई कि यूनियन में तो दो लैंग्वेजेस का यूज़ होगा इंग्लिश एंड हिंदी बट अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वो स्टेट पे छोड़ दिया कि आप कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो चाहे तो आप हिंदी को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो और जब तक ये प्रोसेस चल रहा था तब तक स्टेट्स में भी इंग्लिश का ही यूज़ किया गया ऑफिशियल काम के लिए हमें जैसे पता है आंध्र प्रदेश ने तेलुगु अडॉप्ट कर ली केरला में मलयालम कर ली ऐसे हर स्टेट ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया अब नाइन नॉर्थन स्टेट्स हैं जिन्होंने हिंदी अडॉप्ट की थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन से थे हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड हरियाणा राजस्थान और गुजरात एक ऐसा स्टेट था जिसने हिंदी के साथ साथ गुजराती को अडॉप्ट किया था तो गोवा ने मराठी के साथ साथ अपनी जो एक और लैंग्वेज अडॉप्ट की थी वो कौन सी थी कौन कानी जम्मू एंड कश्मीर ने कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट की उर्दू अब कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिन्होंने इंग्लिश को एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट की और वो कौन से आ जाते थे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे लाइक मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड इन्होंने क्या अडॉप्ट किया था लैंग्वेज इंग्लिश तो हर स्टेट ने अपनी एक लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी अब ये आता था कि अगर हर स्टेट ने अपनी लैंग्वेजेस अलग अलग अडॉप्ट किए हैं तो अगर कोई भी ऑफिशियल काम करना है तब क्या लैंग्वेजेस यूज़ होंगी या फिर अगर एक स्टेट ने दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगी तो उसके लिए क्या किया गया फॉर द टाइम बिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दैट इज़ इंग्लिश वुड रिमेन द लिंक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स और बिटवीन वेरियस स्टेट्स कुछ टाइम के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है जो वो इंग्लिश रखी गई कि अगर किसी यूनियन ने स्टेट के साथ कोई काम करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा अगर किसी स्टेट ने किसी और स्टेट के साथ काम करना है तो वो कम्युनिकेशन कौन सी लैंग्वेज से होगी इंग्लिश लैंग्वेज से होगी तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो रखी गई थी कुछ टाइम के लिए वो इंग्लिश रखी गई थी द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नाइनटीन सिक्सटी लेज डाउन दैट इंग्लिश शुड बी यूज फॉर द पर्पजेज़ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट्स अब हमने यहाँ पे देखा था कि काफ़ी नॉन हिंदी स्टेट्स थे जैसे यहाँ पे आगे नॉन हिंदी स्टेट्स थे यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट इंग्लिश कर ली थी तो जो ये नॉन हिंदी स्टेट्स थे इनके साथ अगर यूनियन कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज अडोप्ट करने की बात की थी उन्होंने बोला था कि हम इंग्लिश में ही सारी कॉम्युनिकेशन करेंगे फर्दर उसके बाद क्या बोला कि जो हिंदी स्टेट और नॉन हिंदी स्टेट में जब कॉम्युनिकेशन होगी तो उस कॉम्युनिकेशन में क्या चाहिए हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चाहिए यानी अगर हिंदी स्टेट ने कोई भी लेटर लिख के भेजी है नॉन हिंदी स्टेट को तो वो उनको तो हिंदी आती नहीं तो क्या करेगा ये हिंदी वाला स्टेट है जो ये हिंदी में तो एक लेटर देगा साथ में वो इंग्लिश में भी उस लेटर को ट्रांसलेट करके वहाँ पे सेंड करेगा तो यहाँ पे क्या सिंपल सी चीज़ बोली उन्होंने कि अगर यूनियन ने स्टेट से कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश में होगा अगर यूनियन ने नॉन हिंदी स्टेट से कम्युनिकेट करना है तब भी इंग्लिश का यूज़ होगा और अगर सिंधी लैंग्वेज स्टेट ने नॉन हिंदू से स्टेट से बात करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक हिंदी में आपको लेटर देना पड़ेगा और साथ में ही आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी उस स्टेट को भेजोगे अब उसके बाद क्या बोला है when द president ऑन डिमांड बिंग मेड इज सेटिसफाइड दैट सबस्टेंशियल प्रपोशन ऑफ द पॉपुलशन ऑफ अ स्टेट डिजार दैट यूज ऑफ एनी लैंग्वेज स्पोकन बाई दैम टू भी रिकोगनाइज बाई दैट स्टेट यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई स्टेट डिमांड करता है प्रेजिडेंट को कि हमारे जो यहाँ पे पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कोई भी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ये बोली जाती है तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यही बना दी जाए तो प्रेजिडेंट उस चीज़ के लिए अगर चाहें तो वो सेटिसफाई हो सकते हैं उस डिमांड को मान सकते हैं ये समझ के कि अगर ज़्यादातर पॉपुलेशन है जो इसी लैंग्वेज में बात करती है तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज वही होनी चाहिए बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिनोरिटीज़ जो ग्रुप हैं उनकी जो प्रोटेक्शन उनकी लैंग्विस्टिक जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता मिनोरिटीज़ की भी जो लैंग्वेज है उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी थ्री सबसे पहले हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है यहाँ पर जितनी भी प्रोसीडिंग की जाएगी वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी उसके अलावा जो पार्लियामेंट में बिल्स एक्ट ऑर्डिनेंस ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशन बाई लॉस जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स पर हो रहे हैं वो सारे कौन सी लैंग्वेज में होंगे वो सारे हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे बट अगर किसी स्टेट यहाँ पे हम सिर्फ अब हाई कोर्ट की बात करें कि अगर किसी स्टेट का गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करे कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में इस केस की प्रोसीडिंग की जाए बट यहाँ पे क्या बोल दिया कि प्रोसीडिंग आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हो बट जो भी जजमेंट होगी ऑर्डर्स होंगे वो सारे कौन सी लैंग्वेज में पास किए जाएंगे वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में पास किए जाएंगे नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 में तो यहाँ पे ये सारी प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं ज़्यादातर हिंदी को दे रहे हैं तो क्या बोला है कि अगर आप हिंदी में कोई भी लेटर पास कर रहे हो और उसकी ट्रांसलेशन है जो वो आप इंग्लिश में कर रहे हो ठीक है अब हम मोस्टली हमारे एग्जाम्स में भी देखते हैं कि जो इंग्लिश में लिखा होता है अगर वही चीज़ हम हिंदी में जा देखें तो बहुत चेंजेस होते हैं मतलब ही चेंज हो जाता है उन चीज़ों का तो अगर ऐसी ट्रांसलेशन में हमारे किसी भी एक्ट ऑर्डिनेंस ऑर्डर रेगुलेशन में कोई ऐसा डिफरेंस दिख रहा है कि इंग्लिश में कुछ और मतलब बन रहा है उसका और हिंदी में कुछ और बन रहा है तो उस केस में हम किसको फाइनल माने हाँ इस चीज़ को हम फाइनल मानते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी हिंदी हिंदी में जो भी लिखा होगा वो हमारा फाइनल डिसीजन होगा इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में क्या बोला गया यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की गई है दोबारा अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं तो यहाँ पे क्या बोला था कि जो प्रोसीडिंग की जाएगी वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी बट जो आपका डिसीजन निकाला जाएगा जो रिजल्ट निकाला जाएगा जो जजमेंट निकाली जाएगी वो कौन सी होगी इंग्लिश में होगी बट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 क्या कहता है कि हाई कोर्ट में जितना भी प्रोसेस होगा या जितने भी जजमेंट्स होंगी वो आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में निकाल सकते हो बट ये चीज सिर्फ हाई कोर्ट में फॉलो की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी बट उसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए साथ में लास्ट जो हमारा बचता है वो है स्पेशल डायरेक्टिव्स स्पेशल डायरेक्टिव्स के आ जाते हैं जहाँ पे मनॉोटीज़ की बात की जाती है कि अभी तक तो आपने ये बोल दिया कि जो माइजारिटीज़ में लैंग्वेज होगी वो ही आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है बट जो मिनोरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा तो उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें बोली गई हैं सबसे पहले क्या बोला गया कि जो प्राइमरी स्टेज एजुकेशन होगी वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी बच्चों को वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए वो तो जो उनकी मदर टंग है उसमें होनी चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे मिनोरिटीज़ की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया गया सेकंड हमने डिस्कस किया था कि मिनोरिटीज़ की सेफ के लिए जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं स्पेशल ऑफिसर्स को ताकि देखा जाए कि जो मिनोरिटीज़ हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो भी क्या प्रोटेक्ट हो रही है और उसकी रिपोर्ट है जो वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को ये जितनी भी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के पास आती हैं ये सारी रिपोर्ट किसके पास जाती है उसके बाद पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाती है कि आपके स्टेट में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो सारी रिपोर्ट किसके पास जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है तो ये था आज का टॉपिक ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें हमने लैंग्वेज ऑफ द यूनियन रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात की है तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि अगर यूनियन का कोई भी काम होगा तो वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा या फिर हिंदी का यूज किया जाएगा बट अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है कि जो स्टेट की लैंग्वेज है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी उसके बेसिस पे अपने ऑर्डर्स ऑर्डियस जो निकालने निकाल सकते हैं बट अगर यूनियन एंड स्टेट की बात की जाएगी अगर इन्होंने कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा और मोस्टली सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जा रही है इंग्लिश में क्योंकि बहुत नॉन हिंदी स्टेट्स भी आ जाते हैं उसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने बोला कि इंग्लिश एंड हिंदी में ही सब केसेस होंगे बट हाई कोर्ट में जो भी प्रोसेस होगा जजमेंट तक वो सारा ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकता है जो भी उनकी लैंग्वेज होगी उसके बेसिस में हो सकता है और स्पेशल डायरेक्टिव में उन्होंने माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करके रखा है आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल